करी शैम्पू गोडिंग दुआ तलो। और ये क्या फांटा की मशहूरी दे रहे हैं सारे। और अब आ गया मैं ड्रामा वाला चौक सियालकोट, याद हो गया वह बिल्कुल। ये जाएंगे फिर उसके बाद वो जाएंगे, और जब वो इस तरफ जाएंगे यहाँ सीधा जाएंगे तो हम ये रोड क्रॉस करेंगे। अच्छा तो मैं इनको घुमा रहा हूँ ऐसे। आपको कितनी देर हो गया है? महीना हो गया हमें, महीना हो गया तकरीबन। ठीक है एक महीना हो गया इनको आए हुए। फिर मैंने इनको कहा चलो अब मैं आपको घुमाता हूँ। सर ये मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने जैसे आपको पहले बताया उन्होंने एडमिशन करवाया था और ये यहाँ पे आए थे यूएसए के अपॉइंटमेंट के लिए। तो अलहमदिल्ला उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उनको इंटरव्यू की डेट भी मिल गई है। अनदर वीडियो। तो जी आज भी वेदर बहुत प्यारा है और आज भी मुझे काफ़ी काम है हमेशा की तरह है। जब से मैं पाकिस्तान से मलेशिया आया हूँ वेदर जो है वो उस तरह से गर्म नहीं हुआ, वरना मलेशिया में भी अक्सर वेदर जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन हो गए हैं कि हर रोज़ ही ऐसा वेदर है। और ये देखें बड़ा खूबसूरत सा वेदर है। चलें खूबसूरत वेदर के साथ हम निकलते हैं बाहर। बस 3 बजने वाले हैं और मुझे करना है अभी नाश्ता और मुझे बहुत काम है आज। चलें निकलते हैं जाके काम करते हैं साथ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं कहीं से। टावर के पास यहाँ पर मुझे काम है, मुझे एक दो बंदों से मिलना है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स के एडमिशन है क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज है पास ही, वहाँ पे मैंने करवाने हैं। तो है पहले चलते हैं कॉलेज जाके काम कर लें। एक बंदा 20 मिनट के अंदर आ रहा है, उसको मुझे अभी कॉल आई थी। 20 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट में पहले मैं नाश्ता कर लूँ या पहले मैं उस बंदे से मिल लूँ और बाकी काम बाद में करूँ, लेट्स सी क्या बनता है। तो जी अभी 4:15 हो गए हैं, लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं देखें, और मैं अभी नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। असल में सुबह बड़ी मज़े की बारिश हो रही थी इसकी वजह से मैं ना वो लेट उठाऊँ। तो खैर अभी मुझे काम थे ऑफिस में जो के ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, कुछ काम अभी भी पेंडिंग है वो करके फिर कहीं और निकलेंगे। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, मुझे एक और ऑफिस जाना है, एक बंदे से मुझे एक और काम है जो मुझे अभी याद है वीडियो बनाते बनाते, वो भी ऑफिस पास ही है, वहाँ भी चलते हैं। बाले बड़ी देर होगी तो मैंने 100 के अंदर फूड नहीं था खाया। तो ये है मेरी यहाँ पे थाली वाइट राइस, उसके ऊपर करी ये कहते हैं सॉस को, तो मिक्स करी। ये आ गया फ्राइड चिकन, फ्राइड कॉलीफ्लावर, ये आगे बंद गोभी और साथ थोड़े बहुत कैरेट, साथ ही दो अंडे। तो पूरी कसर नहीं कहानी है जो इतना टाइम लगा है ना नाश्ते लेट होने में, सारी प्रोटीन एक ही प्लेट में निकाल दी है मैंने। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ पे, मोस्टली जो ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है वो ऐसे ही हैं। और इसमें ये होता है कि बुफे नहीं है, यहाँ पे आप जो लेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज कर देते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट वो भी इस ही अभी कहने के जो स्टाइल है इस पर काम करें, यहाँ पर जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वो भी इसी तरह ही अब करते हैं। कुछ जगह होता है कि आप खुद से डालते हैं, कुछ जगह ये आपको डाल देते हैं। एयर एनीवे अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो गया है, वेदर भी अच्छा है। और अब मुझे जाना है वो सामने मॉल में, वहाँ पे 5th फ्लोर पे मुझे एक ऑफिस से काम है। चलें चलते हैं उस ऑफिस के अंदर, करना है मुझे रोड क्रॉस और ट्रैफिक है काफ़ी तेज़ है। ये ग्रीन लाइट जब रेड हो जाएगी तो इस तरफ वाली और इस तरफ वाली जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगी, इस तरफ से है भी कुछ भी नहीं, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और उसी तरह वो वाली ट्रैफिक भी इस तरफ चली जाएगी। लाइट हो गई है रेड, ये ट्रैफिक रुक जाएगी हम चले जाएंगे। खैर ये वाले लोग इस तरफ जा सकते हैं, अगर इस तरफ जाना हो तो वैसे उनको तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझ से गलती हुई है, चलते हैं मॉल के अंदर, वहाँ से जाके मुझे लेटर लेना है एक बहुत। आ तो गया हूँ लेकिन मैं हर दफ़ा इस ऑफिस को एड्रेस भूल जाता हूँ कि जाना किस तरफ है। आगे जाके देखूँ क्या करूँ,
यार मिल जाए ऑफिस। किधर है किधर है किधर है ऑफिस 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 ऑफिस। लो जी मिल गया ऑफिस, मिल गया ऑफिस, मिल गया ऑफिस। बेल किधर है, बेल किधर है? टिकट टिक। यही है ना? हाँ यही है। मुझे ऑफिस वाला काम हो गया। असल में जो ऑफिस है वो पीछे वाली बिल्डिंग में ऑफिस था। ये मैं यहाँ पे चलता हुआ हूँ और ये है ट्विन टावर, ठीक है। और अब मुझे यहाँ से वापस चल के जाना है उधर, और फिर वहाँ से मुझे ये क्या राइट होगा, हाँ राइट राइट लेना है। और फिर मुझे वापस एक ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि आज वेदर अच्छा है। देखें सूरज बस ना पूरा ही निकला हुआ है, तो ये है कि चलने में मज़ा आ रहा है। वरना अगर दोपहर का टाइम हो, सही धूप लगी हो, हवा ना चलती हो, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और यहाँ पर क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन आज वेदर बहुत परफेक्ट है आवारा गर्दी के लिए। और ये क्या फांटा की मछूड़ी दे रहे हैं सारे, ग्रीन ऑरेंज 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 है गोरे। ये कोई कैंपेन है, एम्बेसी है, एम्बेसी कैंप, इंग्लिश एम्बेसी कैंप, पता नहीं क्या। मैं एम्बेसी का स्टाफ के बच्चे तो नहीं। और अब आ गया मैं ड्रामा वाला चौक सियालकोट अल्लाह मालिक के सामने। ये जी पब्लिक बैंक है, ये एक परफेक्ट स्पॉट है फ़ोटोज लेने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कैमरा लेके घूम रहे होते हैं कि आप उनसे फ़ोटो बनवा ले, वो आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, अगर आपने प्रिंट निकलवाने तो प्रिंट निकाल के भी दे देंगे। लेकिन मोस्टली लोग पीडीएफ ही लेते हैं आजकल। तो खैर अभी ये सिग्नल खुला है, इसके बाद बारी होगी उनकी, मुझे याद हो गया बिल्कुल। ये जाएँगे फिर उसके बाद वो जाएँगे, और जब वो इस तरफ जाएँगे यहाँ सीधा जाएँगे तो हम ये रोड क्रॉस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था वो ट्रैफिक जब वो सिग्नल बंद होगा तो ये वाला सिग्नल खुलेगा और ये लोग सीधा जाएंगे और हम रोड क्रॉस कर लेंगे। और ये मुझे ना सिग्नल ए टू जेड याद हो गया है कि पहले कौन सा गुजरेगा, फिर कौन सा गुजरेगा, फिर किसकी बारी आएगी। एक्सपीरियंस 10 साल का स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे से काम करवाया था। मैं पाकिस्तान में तो भी यहाँ पर आया हुआ है, तो मैंने सोचा उनसे मिल लेते हैं। खैर मुझे नहीं पता वो कैमरा के सामने आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली उनका मिशन मकसद आने का मकसद ये था कि वो यहाँ से आके अमेरिका के लिए अपॉइंटमेंट ले जाए, उनकी शादियाँ वहाँ पे हुई हैं। तो फिर वो ऐसे लोगों से मुश्किल होता है कि शायद वो कैमरे के सामने आना चाहें नहीं आना चाहें। खैर देखते हैं, उनसे मिल लूँ, अगर वो आना चाहते हुए तो मैं उनको ले आऊँगा, वरना ये कि उनके साथ मिल के उनको टाटा बाय को बाय करें, फिर जाकर मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। चलते हैं अंदर। तो जी जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वो कैमरे में आना चाहते हुए तो वो आ जाएंगे। ये हैं वो मेरे दो भाई, ये कराची से हैं। हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलें कहीं, तो फिर हमने फैसला किया कि हम उसी कॉलेज से जाएं ट्विन टावर। ट्विन टावर की मॉल जो है वो कनेक्ट करती है ट्विन टावर और बुकी बिनतांग को। बुकी बिनतांग यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अभी हम वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर दो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, वहाँ से जाके हमने पीनी है चाय। तो ये अंडरग्राउंड वॉक है सारी, पहले हम मॉल के अंदर ही चल रहे थे, अब ये ब्रिज आ गया। इसको मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में। तो मोस्टली लोग ये प्रीफर करते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो जैम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सड़कों पे। ये देखें आप, ये ट्रैफिक की सूरत हाल है, देखें। तो यही वजह है कि मोस्टली जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो वॉक करें, और अंडर ब्रिज जो अंडरग्राउंड पर वॉक है वो बेटर रहती है। किस तरफ जाना है हमने, तो ये देखें बहुत से लोग ये ब्रिज यूज़ करेंगे, ना तो इनको गर्मी में वॉक करनी पड़ेगी, ना इनको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, ना इनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा तो मैं इनको घुमा रहा हूँ ऐसे। आपको कितनी देर हो गया आए हुए, महीना हो गया? हमें महीना हो गया दादी बस, ठीक है एक महीना हो गया इनको आए हुए। फिर मैंने इनको कहा चलो अब मैं आपको घुमाता हूँ, तो फ़र्क भी आपको लगेगा। वो इस तरह से कि आप जो चीज़ें तीन तीन चार चार घंटे में लगा के घूमे हो ना, वो आपके आधे आधे घंटे में घुमा देना। तो अभी आ गए हम पवेलियन बुकी बिनतांग, यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है हमेशा, तो यहाँ से हमने जाना भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। बेसिक मकसद जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाकर चाय पीना है, लेट्स सी। पर यहाँ पे व्लॉगिंग का बहुत मज़ा है, किस तरफ मर्जी कैमरा घुमा दो कोई बॉदर नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये चीज़ें पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल थी, इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका। आ गए हैं हम बुकी बिनतांग, ये वो एरिया है, यहाँ से वो आगे जाना है मैंने चाय पीने। खैर अभी मिलेंगे आपको चाय की टेबल पे। जी हो गए फ्री,
बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। असल में ये मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने जैसे आपको पहले बताया उन्होंने एडमिशन करवाया था और ये यहाँ पे आए थे यूएसए के अपॉइंटमेंट के लिए, तो अलहमदिल्ला उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उनको इंटरव्यू की डेट भी मिल गई है। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है पांडा आइस, ठीक है, वहाँ से जाकर मुझे शूज़ लेने हैं। ये मेरी फेवरेट कह लें कि एक मॉल है जहाँ पे शूज़ की वैरायटी है, वो वैरायटी जो मुझे बहुत पसंद है। तो व्यू भी बहुत अच्छा है, चले चलते हैं। आगे हमें मॉल के अंदर ये है पांडा आइस, मेरी फेवरेट मॉल है। इसके अंदर जो शूज़ की वैरायटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दिया, मुझे वो मिल नहीं रहा काउंटर के यहाँ पर शूज़ के। तो ढूंढते हैं काउंटर किस तरफ है शूज़ वाला, इस तरफ नहीं इस तरफ। तो जी शूज़ के लिए मैं आया था इस जगह कि मैं यहाँ से चलो एक तो पर्सन चाय पी लूँ, बाद में यहाँ से शूज़ ले लूँ, लेकिन इन्होंने शूज़ सेल करने बंद कर दिए हैं। अब शूज़ के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा है, अब मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे एक बंदे से मिलना है। तो चलें, शूज़ वाला काम तो नहीं हुआ, इस फेस के साथ निकलते हैं यहाँ से। मेरी एक बंदे के साथ जो कि स्टूडेंट को ना जॉब वगैरह में हेल्प करता है, तो लास्ट में मेरे कुछ स्टूडेंट ने कांड कर दिया था जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। एक तो मुझे उससे अपॉलोजाइज करना था, वो किया, साथ उससे बात किया गया जो नहीं आने वाला स्टूडेंट है उसने मेरी हेल्प करे, खाने का बिल भी उसने भी लिया है, इतना खाना पिया ही है मैंने, है बहुत नाइस बंदा था। और चले मैंने यहाँ से वीडियो को एंड करना है, जो मुझे जाना घर और जाके मुझे करना है आराम, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।